हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ओरिगामी स्लीव्स डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो ये हमारा जो नाप है उस हिसाब से हम अपना स्लीव्स की पेपर का पैटर्न काट रखा है, जिसकी लंबाई है हमारा 5.5 इंच और सीना है 32, तो उसका चौथाई है 8 इंच, तो इसकी चौड़ाई हाफ पर जो है 8 इंच आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट पर पहले निशान लगा लेंगे, एक मार्क लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसमें ऊपर साइड जो है सेंटर पॉइंट से एक साइड हमें रखना है 2 इंच गैप, और इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें 2 इंच पर मार्क लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें 2 इंच का मार्क लगाया, फिर 2 इंच इस साइड भी मार्क लगाया। अब उसके बाद हमें 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, और इस साइड भी हमें 1.5 इंच पर मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क लगाना है, फिर उसी दूसरे साइड भी हमें 1 इंच पर मार्क लगा देना है। अब सभी पॉइंट्स को ये मोहरी की तरफ जो है हमें एक में इस तरह से लाइन अप कर लेना है। ये हमारा 2 इंच का हो गया, उसके बाद ये हो गया हमारा 1.5 इंच का, इसके बाद ये 1 इंच वाला भी पॉइंट, इसका भी मार्क लगा लेंगे। दूसरी साइड का भी 1 इंच का मार्क जो है, इसका भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी मार्क हमने लगा रखा है। अब इस मार्क को मोहरी की तरफ जो सेंटर पॉइंट है वहां से ऐसे कट करेंगे, पूरा हमें निकालना नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। बीच के सेंटर पॉइंट को छोड़ देना है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड का निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सभी मार्क का जो है कटिंग कर लिए हैं। इस बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको हमको कट नहीं करना है। ये देखिए, अब हम फैब्रिक पे आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फैब्रिक पर अपना जो है पैटर्न रख दिया है। अब यहाँ सामने से जो है, ये देखिए 2 इंच हमें मार्जिन रखना है, और ये 2 फोल्ड पर है क्योंकि ओरिगामी स्लीव में कपड़ा अधिक लगता है। अब इसको इस तरह से हम हटा करके इसको पहले फैला देंगे। तो ये देखिए, हमने पैटर्न को फैब्रिक पे लगा रखा है। ये देखिए, यहाँ से हमने 2.5 इंच का गैप लिया है, यहाँ मार्जिन लिए हैं, और दोनों साइड भी इस तरह से 2.5-2.5 इंच की हमने मार्जिन रखी है, और ऊपर भी हमें लगभग 3 से 4 इंच की मार्जिन होनी चाहिए। तो इसको बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है, पहले यहाँ हमें पिन से ऐसे स्टिच कर लेना है, पिन से हमें यहाँ पर टक कर लेना है। अब उसके बाद जो है, अब इस पैटर्न को हम इस तरीके से फैलाएंगे, इसको लगभग 3 इंच का हम गैप देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें पिन से टक्कर लेनी है। अब दूसरे साइड भी इस पैटर्न को इस तरीके से फैलाएंगे, और 3 इंच का स्पेस देते हुए यहाँ से अब इसे इस पे भी पिन लगा के इसको टक कर लेंगे। इसके बाद ये दूसरा पार्ट जो है, इसे भी हम 3 इंच का गैप करके रखना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ भी इसे पिन से टक कर लेंगे। इसी तरीके से इस साइड का भी दूसरा पार्ट में 3 इंच का गैप करेंगे, ऐसे भी पिन से टक करेंगे। इसके बाद लास्ट वाला जो पैटर्न है, यहाँ से हमें 2 इंच का गैप रखना है, और इसे यहाँ पे टक कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड का भी हमें 2 इंच का गैप रख के इसे भी टक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पैटर्न को पिन से टक कर रखा है।
अब यहां से आधा इंच जो मार्जिन लेते हुए यहां पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जहां तक हमारा पैटर्न है वहां से हम गोलाई का शेप लगा लेंगे। उसके बाद यहां से हमें 2.5 इंच का जो मार्जिन रखा है यहां भी ऐसे निशान लगा लेंगे। साइड का भी इसी तरीके से मार्जिन हम कट कर लेंगे। अब इस तरीके से एक पेन की सहायता से जो है जो सेंटर पॉइंट है वहां पर इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे। जहां जहां हमारा पैटर्न है वहां वहां नीचे की तरफ भी हम लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। ये देखिए ऊपर भी हमने मार्क लगा रखा है और नीचे भी हमारे सभी सेंटर पॉइंट पर हम मार्क लगा रखा है। अब इसकी हम कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्लीव कट के रेडी हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा ये सेंटर पॉइंट है, इस साइड से 3 इंच इस साइड का गैप है, 3 इंच इस साइड का है, दूसरे पैटर्न में भी 3-3 इंच का गैप है और तीसरे पैटर्न में 2-2 इंच का गैप है। ठीक है, अब हम सभी पिंस को निकाल देंगे। इसके बाद पैटर्न को भी हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो इस जो यहाँ पर हम मार्क लगाए हैं और इस मार्क से ऐसे उठाते हुए सेंटर पॉइंट पर ऐसे मिला के यहाँ पर पिन लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड का जो मार्क है ऐसे उठाएंगे और इसे सेंटर पॉइंट पे लाके इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर भी पिन से टक कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो है सेंटर पॉइंट है दूसरे मार्क को भी ऐसे उठाएंगे और सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से टक कर लेंगे। इस साइड भी ऐसे जहाँ पर मार्क है ऐसे उठाएंगे और सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसे भी टक कर लेंगे पिन से। अभी लास्ट वाला है, इसे भी इस मार्क से उठाएंगे और सेंटर पॉइंट तक लाके इस तरीके से हम टक कर लेंगे। इसी तरीके दूसरे साइड का भी ऐसे मार्क से पकड़ेंगे और इसे भी सेंटर पॉइंट पर लाके ऐसे रख के टक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सभी मार्क को सेंटर पॉइंट में टक कर रखा है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सिलाई लगा रखा है। अब 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने हल्का सा प्रेस मार लिया है ताकि ये प्लेट जो है अच्छे से बैठ जाए। इसकी मोहरी पे फ्रेंड्स हमें पट्टी लगानी है, तो यहाँ हमने 2 इंच की पट्टी ले रखी है। अब इसे यहाँ से पट्टी इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने पट्टी लगा रखी है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे 1/2 इंच की चौड़ाई में इस पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये स्लिप रेडी हो गया। अब इस पे यहाँ पर 100 बटन लगाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव बनकर हमारा रेडी हो गया है। डिजाइन कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।